तो दोस्तों ये देखिए, सूजी और आलू से बना हुआ चटपटा नाश्ता, बड़े हो या बच्चे सबको पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, मैंने यहाँ उबला हुआ आलू लिया, यहाँ मैंने छोटे आलू लिया, बड़े भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, उसके बाद मैंने इसमें सरसों तेल डाला है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन डाला है, मिर्ची दो डाली हुई है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है कस करके। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, इसमें मैंने एक प्याज डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में डालेंगे सूखे सारे मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेंगे। आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, हमारा घोल बन के रेडी है, और यहाँ प्याज भी भून गया है। तो उसके बाद हम इसमें जो मसाला हमने घोल बनाया था वो डाल देंगे। डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारा मसाला भी भून के रेडी है। तो उसके बाद जो हमने आलू मैश किए थे सारे डाल देंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ते डाल देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा आलू का चोखा हो चाहे आलू का मसाला, आप जो बोलते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। बिहार में तो आलू का चोखा बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में डाला है पानी, पानी में डाला है चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे सूजी डाल दिया है। सूजी डालने के बाद इसे लगातार चलाना है, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसे देखिए, इस तरह जब तक सूजी पूरा पानी ना सोख ले तब तक आपको इसे चलाते रहना है। और ये देखिए, आप इस तरीके से कुछ बन के रेडी होगा। तो आइए इसे भी अब हम निकाल लेते हैं, और प्लेट में हमने निकाल लिया। अब ये गर्म है, इसे अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और आलू का मसाला बन के तो रेडी। और यहाँ लिया है मैंने चीज़, और यहाँ चीज़ थोड़ा डाल देंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। और उसे मैंने कर लिया है कद्दूकस, ये देखिए कद्दूकस कर लिया। और हमारा जो डो था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसमें हम तेल हाथ में लगा के तब इसे अच्छे से करेंगे, नहीं तो ये हाथ में थोड़ा चिपकता है, तेल लगा लेंगे तो नहीं चिपकेगा। इसे आटे की तरह आपको गूंद लेना है। और यहाँ पे हम लेंगे अपना आलू का जो मसाला बनाया था, उसे अच्छे से राउंड करके बीच में होल करके जो चीज़ हमने ग्रेट किया हुआ था वो इसमें डाल के इसे अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। चीज़ डालने से बच्चे भी इसे मन से खा लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने राउंड शेप बना लिया। तो ऐसा ही सारा आपको बना के बाउल तैयार कर लेना है, यहाँ पे ऐसे गोल गोल, और यहाँ पे। और आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे फिर मैंने जो सूजी वाला जो हमारा आटा था उसे भी अच्छे से गोल गोल राउंड कर लेंगे, और उसे बीच में होल बना लेंगे इस तरीके से। और होल बना के जो हमने गोल आलू का बनाया हुआ था उसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से कवर कर देंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ते की चटनी भी बनाई हुई है, और यहाँ पे धनिया पत्ते की चटनी के साथ ही हमने टमाटर, लाल मिर्ची और यहाँ पे और हरी मिर्ची और धनिया और नमक डाल के इसे पीस लिया है। तो हमारा सारा बाउल बन के रेडी है। तो अब इसे फ्राई करते हैं, तो एक एक करके हम सारा, इसमें तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें एक एक करके सारा फ्राई करेंगे। और ये देखिए, इसे पलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो आइए अब इसे निकालते हैं, इसे धनिया पत्ते की चटनी के साथ मैं सर्व करूँगी। और इसे कितना करारा बना है, इसकी आवाज़ भी मैं आपको, आप देखिए इसका आवाज़ सुन के कि कितना क्रिस्प और करारा बना हुआ है। और इसमें देखिए ये चीज़ भी है। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।